Assalamu alaikum, dear student. Here I am Professor Sagheer Ahmed, aur tamam student ko Professor Sagheer Zoology classroom mein welcome. Dear student, aaj intai important ek short question ke upar baat chalegi, lecture denge. और अक्सर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि अटेम किस तरीके से करना है. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में खाई जाने वाली मछलियों के नाम लिखिए. बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इसको सही तरीके से अटेम नहीं करते. तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, लेक्चर की तरफ चलते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम करना है. तो डियर स्टूडेंट, आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं. टाइटल है हमारे पास एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान. इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे और एक कॉमेंट लिखेंगे, द नेम्स ऑफ एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान इज गिवन बिलो, कि पाकिस्तान में खाई जाने वाली मछलियों के नाम मंदरजा ज़ैल ये हैं. अब राइट किस तरीके से करना है कि आपकी बुक में इंग्लिश नेम दिए हुए, यानी कि कुछ साइंटिफिक नेम ग्रुप दिए हुए, और पाकिस्तान में जो लोकल नेम्स हैं उन मछलियों के क्या हैं. तो एट लीस्ट कम से कम 6 फिशेस के नाम आप बासानी लिख दें जो कि आपके बुक में दिए हुए. कौन कौन से? पहला ग्रुप है हमारे पास परचेस, जिसे लोकल लैंग्वेज में पॉम्फ्रेट कहते हैं. सेकंड है हमारे पास हिल्सा, जिसे लोकल लैंग्वेज में पल्ला कहते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग जायके वाली मछली है, बड़ी टेस्टी फिश है. अगर आप रिवर इंडस पर जाएं, दरिया सिंध में, ख़ास तौर पे हैदराबाद के मकाम पर, ठीक है, और वहाँ पर एक होटल है जिसका नाम अलमंज़र होटल है. सर्दियों के मौसम में डियर स्टूडेंट यहाँ पर इतना रश होता है कि हद से ज़्यादा, और ये फ़िश पल्ला जो कि अपने जायके की वजह से इतनी मशहूर है कि ये 5000 टू 6000 पर केजी फ्राई करके मिलती है, और बड़ा मज़ा टेस्टी जायका होता है. तो हिल्सा है हमारे पास, पल्ला फ़िश है. कार्प, जिसे रहू कहते हैं, ये भी अपने जायके के लिहाज से इंतहाई फेमस है. मैकरेल, जिसे सुरमई कहा जाता है. कैटफिश, जिसे खग्गा कहते हैं. कैटफिश इसलिए कहा जाता है कि जस्ट टू द इसके जो हेड पर हेयर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कैटफिश. इसके अलावा सालमन, जिसे ट्राउट कहते हैं, और बेशुमार एडिबल फिशेस हैं पाकिस्तान की जो कि अपने जायके के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें हीरा यानी कि तिलापिया फ़िश है, मुश्का है, इसके अलावा घिसर फिश है, स्पॉटेड है, गरंटर सेम, डिफरेंट टाइप्स सेडल सेम, डिफरेंट टाइप्स की क्या है फिशी सेम. पाकिस्तान में तकरीबन 750 से ज़्यादा फिशेस क्या होती हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर क्या होते हैं, दोनों मिलाकर पाई जाती हैं, जो कि अपने जायके के लिहाज से इंतहाई यानी कि अहमियत के हामिल हैं. तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन हेडिंग डालकर लिख सकते हैं और बासानी नंबर फुल गेन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. डियर स्टूडेंट, जाते हुए एक बात जहन में रखिएगा, वो स्टूडेंट जो कि जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी लेक्चर हो फर्स्ट एंड फर्स्ट आप तक पहुँच सके. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.